हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके लिए यूजफुल भी हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जानते हैं आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए, नया कुछ सर्च करने के लिए, होम रेमेडीज लाने के लिए। आज हम बात करेंगे डार्क अंडर आई सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। कई बार अनहेल्दी ईटिंग और लैक ऑफ स्लीप, हम सभी जानते हैं कि कम सोने से, स्ट्रेस लेने से हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही इतना बिजी है कि हमें ज़्यादा काम करना होता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और कई बार स्ट्रेस बहुत हो जाता है। आजकल लाइफ ही कुछ ऐसी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप टाइमली सो जाएं और टाइमली आप जाग जाएं। कम से कम 8 घंटे की नींद, आप ये सुनते ही हैं कि 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फिर भी आप ट्राई करें कि 6 से 8 घंटे आप ज़रूर सोएं। स्क्रीन टाइम अपना अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो उसे कम करें। बिल्कुल ही फिनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ही आजकल इतनी टेक्नो लाइफ हो चुकी है। अभी आप मुझे भी देख रहे हैं तो एक स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, तो इस तरह से हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी आइज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इन सब चीज़ों से। तीसरा, अगर आप सन में जाते हैं, सन एक्सपोजर से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। कई बार आप ये सोचेंगे कि ना तो मैं ज़्यादा टीवी देखता हूँ, ना तो मैं ज़्यादा लैपटॉप पर काम करता हूँ, मैं तो सोता भी बहुत टाइम से हूँ, मेरी नींद भी पूरी हो जाती है, फिर ये डार्क सर्कल्स क्यों? समटाइम्स ये हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, कई बार ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होगा, समटाइम्स ये रीजंस भी हो सकते हैं। या फिर आप अगर सन में जाते हैं, बेयर आइज के साथ जाते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ में कुछ ऐसी होम रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली होम रेमेडी है आलमंड ऑयल प्लस हनी। इन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा अपने पाम पर लेंगे, 2-4 बूंदे आप लीजिए आलमंड ऑयल की और 2 बूंदे ले लीजिए आप हनी की। उसे अच्छे से मिक्स करके अपने आइज पर लगाइए और रिलैक्स कीजिए। आराम से बैठिए, एटलीस्ट 1/2 आवर बैठ जाइए। इससे ये होगा कि आपके लिए एक रिलैक्सिंग टाइम भी निकलेगा और आपकी आइज भी ट्रीट हो रही होंगी। सेकेंड इज कि अगर आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, तो अगर टी बैग्स हैं, जब भी आप टी बना लेते हैं उन टी बैग्स को आप रख सकते हैं, उसे थ्रो ना करें डायरेक्टली। आप अपने आइज पर टी बैग्स को रखकर रिलैक्स करिए 15-20 मिनट्स। और अगर आप टी लीव्स भी यूज़ करते हैं, तो यूज़ होने के बाद जो लीव्स बच जाती हैं उन्हें आप एज अ मास्क अपनी आइज पर लगा सकते हैं। क्यूकम्बर हम सब लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग सैलड में क्यूकम्बर खाते हैं, तो उसी क्यूकम्बर को आपको थिन स्लाइसिस में कट करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब वो चिल्ड हो जाए बिल्कुल, तब उसे अपनी आइज पर रखकर आप आराम से रिलैक्स करिए। क्यूकम्बर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी आइज के लिए, आपके डार्क सर्कल्स के लिए, आपके चेहरे के दाग धब्बों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, तो उसे आप रख सकते हैं। मैंने एक आई सीरम बनाया था, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। वो आई सीरम आपकी आइज़ को रिलैक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या नहीं है, आप उस आई सीरम को अप्लाई कर सकते हैं हर रात सोने से पहले। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए क्यूकम्बर, लेमन, टमाटो और पोटैटो। सबसे पहले क्यूकम्बर को आप बहुत अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि हम इसका पील भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वॉश होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप ग्रेट कर लीजिए, बहुत थोड़ा आपको ग्रेट करना है, और एक स्ट्रेनर में डाल के पल्प को स्ट्रेन करके जितना भी जूस है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पोटैटो को भी बहुत अच्छे से वॉश करके सेम तरीके से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए। उसके बाद लेंगे हम एक नींबू। नींबू को आपको पूरा नहीं लेना है, इवन हाफ भी नहीं लगेगा, 1/4 ही यूज़ होगा। उसके बाद टमाटो ले लीजिए, जितना हो सकता है आप उसका पल्प उसे प्रेस करके या फिर चम्मच से आप स्क्रेप कर सकते हैं, और बाकी का आप ग्रेट कर सकते हैं। और
और ये आई मास्क आपका बिल्कुल तैयार है। इसे लगाना कैसे है वीडियो में देखें। तो ये मिक्सचर मेरे पास बन के तैयार है और इसे एक कॉटन में आप डिप करेंगे और अपनी आईज के नीचे अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास टाइम है आप बैठ सकते हैं तो इसे लगाकर एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आप रखें अपनी आईज पर। मैंने अभी लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा फील हो रहा है। सो जो पोटैटो है, अगर आप चाहें तो पोटैटो के स्लाइसेस को भी आप क्यूकम्बर की तरह स्लाइस करके फ्रीज करके आईज पर रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मीडियम साइज है, बड़े साइज का पोटैटो है, हमने इसे हाफ ही ग्रेट किया है और ये वेस्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एक तो ये कर सकते हैं, स्लाइस रख सकते हैं, या फिर आप बेबी पोटैटोज ले आइए। वो छोटे छोटे पोटैटोज होते हैं, आपका एक पोटैटो एक बार में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। और कई बार हमें ये लगता है कि यार टाइम नहीं है, इतना कौन करेगा, तो आप ये कर सकते हो कि आप क्यूकम्बर का जूस निकाल कर और लेमन जूस, इन दोनों को मिलाकर आप एक बॉटल में भर के रख दीजिए। लेमन क्यूकम्बर टोनर भी आपका तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने फेस पर अपने ओपन पोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आपको अपने आईज पर इसे लगाना हो तो आप इसमें टमाटो, वो भी हम रोज़ घर का खाना बनाते हैं तो उसमें सब्जियों में हम डालते हैं, उसका पल्प आप निकाल दीजिए, इसे मिक्स कीजिए और लगा लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाती हैं करना, और सोच कर ही हमें ऐसा लगता है कि ये कौन करेगा, बट हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं इन सब कामों में, और 10 मिनट अपने लिए निकालना, अपनी केयर करने के लिए निकालना कोई गलत नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करना ही है। एटलीस्ट 15 डेज तक इसे करिए, साथ ही साथ हेल्दी खाइए, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, टाइम से सोइए, टाइम पर उठिए और रिलैक्स करिए, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस आपको कहीं भी नहीं लेकर जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ पर असर डालता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया है तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है और शेयर करना है। क्या बताए, बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।